दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चुनावों से पहले हम लोग आए दिन खबरें सुनते हैं कि कोई किसी के टिकट कटवाने के लिए जयपुर या दिल्ली जाता है तो कोई किसी के समर्थन में नेताओं के पास जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग खबर सुनाने जा रहा हूं कि एक पूर्व विधायक की बेटी उन्हीं के पार्टी के नेताओं के पास पहुंच गई और बोला कि मेरे पिताजी को अगर आपने टिकट दे दी तो हम सब मिलकर के आपकी पार्टी को हरा देंगे। मेरे पिताजी को टिकट नहीं देनी है, बाकी जो हमारी विधानसभा में 17-18 जो दावेदार हैं उनमें से किसी एक को आप टिकट दे दो। ये बात सुनकर पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी हैरान हो गए कि भाई ऐसा क्यों कह रही है एक विधायक की बेटी कि मेरे पिताजी को टिकट नहीं देनी है। जब उन नेताओं ने पूछा कि ऐसा क्यों, तो उसने कह दिया कि मेरे पिताजी मेरे ही नहीं हो सके, यानी कि एक बाप अगर बेटी का नहीं हो सकता है तो जनता का क्या भला करेगा। मेरे पिता ने मुझे और मेरे बेटे को मरवाने के लिए साजिश कर दी, इसलिए मेरे पिताजी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए, जबकि उसके पिता पहले विधायक रह चुके। अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये घटना कहाँ की है, इस पर भी मैं आपको पूरी बात बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सुनिए कि राजस्थान में भाजपा की पहली सूची आने का हर कोई व्यक्ति इंतजार कर रहा है। ऐसे में तमाम विधानसभाओं के जो लोग हैं, नेता हैं, इस बार दावेदारी कर रहे हैं, उनको कई लोग तो उनकी टिकट के समर्थन में वहां जा रहे हैं और कई लोग टिकट कटवाने के लिए भी जा रहे हैं। ऐसी खबरें हम लोग आमतौर पर सुनते हैं। अब ये जो मैंने बेटी और पिता की बात बताई है ये भाजपा की है, भाजपा ही नहीं कांग्रेस में भी ऐसा हुआ है। कांग्रेस में एक विधायक के पिता कांग्रेस के ऑब्जर्वर के पास पहुंच गए थे और उनको कहा था कि आप मेरे बेटे को टिकट नहीं देंगे, अगर आपने मेरे बेटे को टिकट दे दी तो हम सब मिलकर के आपके इस जो प्रत्याशी होगा मेरा बेटा है उनको हरा देंगे। अब दोनों घटनाओं के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली जो मैं आपको बता रहा था बेटी और पिता की बात, वो अलवर ग्रामीण की है। जयराम जाटव जो अलवर ग्रामीण के पूर्व विधायक रहे हैं उनकी बेटी मीना जाटव कल जयपुर में बीजेपी कार्यालय पहुंची और वहां पर तमाम नेताओं को कहा कि इस बार मेरे पिताजी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। अलवर ग्रामीण से हम लोग 17-18 लोग जो है दावेदारी कर रहे हैं, हम उस क्षेत्र से जो लोग, उनमें से आप किसी को भी दे दीजिए लेकिन मेरे पिताजी को टिकट नहीं मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो कांग्रेस के जो विधायक है अशोक बैरवा खंडाला सवाईमाधोपुर के, उनके पिता डालचंद बैरवा ने कांग्रेस के ऑब्जर्वर को कहा था, ये बात अगस्त महीने की है, कि मेरे बेटे को जो है आप टिकट मत देना, मेरे बेटे को अगर टिकट दे दी तो हम सब मिलकर के उनको हरा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इन चुनावों के बीच किस प्रकार की तमाम जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। कहीं पिता अपने बेटे की टिकट कटवाने में लगा है तो कहीं बेटी अपने पिता की टिकट कटवाने में लगी है। अब देखने वाली बात होगी कि टिकटें किनको मिलती है और जीतता कौन है।